अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग जो प्रैक्टिकल परफॉर्म करने लगे हैं वो है फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स लेंस। अब कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ जो हमने फाइंड करनी है, इसके दो मेथड हैं हमारे पास, दो मेथड हैं। उन दो में से हम लोग एक मेथड इस वीडियो में करेंगे, दूसरा मेथड हम लोग दूसरी वीडियो में करेंगे, क्योंकि एक ही वीडियो में अगर हम लोग इसके दोनों मेथड डिस्कस करें तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो इसलिए हम लोग इसकी दो वीडियो बना लेते हैं ताकि जो आप लोगों को इसको करने में आसानी रहे। तो जो पहले वीडियो हम लोग जो आज हम लोग ये प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहे हैं, इसके अंदर हमारे पास जो होगा कन्वेक्स लेंथ और इसका हमने फोकल लेंथ फाइंड करनी है, और जो फोकल लेंथ हमने फाइंड करनी है वो होगा पैरालैक्स मेथड। तो पैरालैक्स मेथड को अप्लाई करके हमने ये फोकल लेंथ फाइंड करनी है, और पैरालैक्स मेथड जो है मेट्रिक के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल है। इंटर में भी पैरालैक्स मेथड के साथ हो जाता है, लेकिन इंटर में डिस्प्लेसमेंट मेथड ज़्यादा अप्लाई होता है। तो डिस्प्लेसमेंट मेथड जो है हम लोग ये नेक्स्ट वीडियो में कर लेते हैं, लेकिन इस वीडियो में हम लोगों ने जो करना है हम लोग इसमें पैरालैक्स एरर का मेथड अप्लाई करेंगे। दोस्तों, इसके लिए क्या तरीकाकार होगा, जिधर से हमारे पास लाइट आ रही होगी, सपोज हमारे पास अगर इस साइड से लाइट आ रही है तो मैं इस चीज़ को सामने रखूंगा और इसको ये लेंस को उसी डायरेक्शन से लेकर आऊंगा, तो जो सी चीज़ से लाइट आ रही होगी पीछे जो भी चीज़ होगी उसका शेडो बन जाएगा। सपोज मैं यहाँ पे कोई पेज जैसे मैंने ये हाथ रखा हुआ, तो ये हाथ के ऊपर वो शेडो बन जाएगा। अब जो शेडो कैसे क्लियर होगा, जैसे हम लोग थोड़ा सा पीछे करते तो वो धुंधला सा होता है, थोड़ा सा आगे ले जाते हैं तो और धुंधला होता है। हम इसके सेंटर में किसी जगह पर वो क्लियर इमेज उसका शेडो देखेंगे। जैसे सपोज यहाँ पर मैंने किया तो जो पीछे कोई दरवाज़ा था या कोई दरख्त था उसका शेडो यहाँ पे हमें दिखाई देना शुरू हो जाएगा। वो जो शेडो दिखाई देना शुरू होगा वो हम लोग ये मीटर आर्ट का यूज़ करके हम लोग डिस्टेंस निकाल लेंगे लेंथ से लेकर जहाँ पर दिखाई दे रहा होगा क्लियर, वहाँ तक का डिस्टेंस निकाल लेंगे। सपोज वो डिस्टेंस निकला है 10 सेंटीमीटर, तो हमारे पास अप्रॉक्सीमेट फोकल लेंथ निकल आएगी 10 सेंटीमीटर। अब हमने अप्रॉक्सीमेट फोकल लेंथ जो हमने सेट कर ली कि हमारे पास ये जो लेंथ है इसकी अंदाजन जो फोकल लेंथ है ना वो बन गई है 10 सेंटीमीटर। अब ये इस काम के बाद फिर हम लोग क्या काम करेंगे, फिर हमारे पास इसके लिए अपरेटस होगा, दो हमारे पास निडल्स होंगी, वो निडल्स स्टैंड में फिक्स कर देंगे। इसके अलावा हमारे पास लेंस स्टैंड होगा। हम लोग क्या काम करेंगे बेटा, ये हमारे पास जो होगा लेंस, इसको हम लोग लेंस स्टैंड के अंदर फिक्स करेंगे और लेंस स्टैंड को प्लेस करेंगे एक पोजिशन के ऊपर। जैसे मैंने मीटर आर्ट को ये सेट किया तो 50 पे मैंने इसको पोजीशन मान ली, 50 मैंने इसकी पोजीशन मान ली ये लेंस की। अब जो हमारे पास अप्रॉक्सीमेट फोकल लेंथ आएगी उसके हिसाब से हम इन दोनों में से एक निडल को सेट करेंगे। कैसे सेट करेंगे उसके हिसाब से, यानी ये जो दो निडल है इनका नाम क्या क्या होगा, एक निडल होगी जहां से हम लोग ऑब्जर्व करेंगे, दूसरी निडल होगी जो हमारे अपोजिट साइड के ऊपर होगी, जहां से हम लोग देख रहे होंगे वो हमारी ऑब्जेक्ट निडल होगी, और जिसको हम लोग देख रहे होंगे वो हमारी इमेज निडल हो जाएगी। अब ये अगर मैं इस साइड से परफॉर्म करूंगा खड़ा होकर इस प्रैक्टिकल को, तो ये वाली जो निडल होगी मेरे पास, ये होगी मेरे पास इमेज निडल और ये हो जाएगी ऑब्जेक्ट निडल। ऑब्जेक्ट निडल को अभी कर देंगे हम लोग साइड पे, अभी हम लोग यूज करेंगे इमेज निडल। जो 50 पे इसको किया, जो हमने अप्रोक्सीमेट फोकल लेंथ फाइंड की थी उसके डबल डिस्टेंस पे हम इस निडल को कर लेते हैं। अप्रॉक्सीमेट सपोज हमने 10 की थी तो 10 के डबल डिस्टेंस पे हम इसको 20 का डिस्टेंस, 50 से 20 हमारे पास 70 हो गया, तो 20 के डिस्टेंस पे मैंने इसको प्लेस कर दिया। 20 के डिस्टेंस पे इसको प्लेस करने के बाद फिर ये हमारे पास निडल हो जाएगी ऑब्जेक्ट निडल। इसको हम लोग क्या काम करेंगे, यहाँ पे लेंस के बिल्कुल पास रखेंगे, पास रख के इस निडल को ऊपर या नीचे इस तरह एडजस्ट करेंगे कि ये वाली निडल जो है इसकी जो नोड, ये जो चूंच सी है इसकी, ये और इसकी जो है ये दोनों इस तरह आमने सामने यहाँ पे दिखाई दे रही हूँ। तो फिर हम वहां से पीछे की तरफ इस निडल को मूव भी करते जाएंगे और एक आंख बंद करके इधर से हम लोग देख भी रहे होंगे। जब इधर से देख रहे होंगे तो दोनों निडल्स ऐसे ऐसे मूव कर रही होंगी, ये होता है पैरालैक्स एरर। इस पैरालैक्स एरर को हमने रिमूव करना है, हम इसको पीछे की तरफ मूव करते जाएंगे और अपनी एक आंख बंद करके इस तरह हेड को मूव करते रहेंगे। तो जब कोई एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे ये दोनों निडल जो है दोनों एक साथ ऐसे एक साथ मूव होना शुरू हो जाएंगे, जब ये दोनों निडल एक साथ मूव होंगी तो वो पैरालैक्स एरर रिमूव हो चुका होगा। जब वो पैरालैक्स एरर रिमूव हो जाएगा फिर हम लोग रीडिंग्स लेंगे इसकी। अब रीडिंग्स कैसे लेंगे, रीडिंग्स हमारे पास फार्मूला है 1/f = 1/p + 1/q। उस वाले फार्मूला के अंदर हमारे पास तीन चीजें हैं, क्या क्या चीजें हैं, एफ पी और क्यू। अब एफ इसमें डिमांड है फोकल लेंथ,
हमें चाहिए पी और क्यू, हमारे पास दो डिस्टेंस है बेटा। कौन कौन से दो डिस्टेंस है? एक लेंथ से ऑब्जेक्ट तक का, एक लेंथ से इमेज तक का। तो ए लेंथ से ऑब्जेक्ट हमारे पास पी हो गया, लेंथ से इमेज हमारे पास क्यू हो गया। दोनों डिस्टेंस की वैल्यू ले लेंगे आप, पी और क्यू क्या बनेगा? अब जैसे ये 50 पर है तो ओ तक का जो डिस्टेंस पी है हमारे पास, तो ये बन गया 29 पे इधर, तो 50 29 ये हमारे पास 19 बन गया। इसी तरह इधर हमारे पास आ गया ये 20 बन गया क्यू। तो एफ हमने मालूम करना है, 1 ओवर एफ इज इक्वल टू 1 ओवर पी प्लस 1 ओवर क्यू, उसमें वैल्यू ऐड करें, ऐड करके हम आप लोग इसका आंसर निकाल दें। एक रीडिंग हो जाएगी, इस तरह आप इसका टेबल बनाना तो बना लें। इसके लिए आप लिखें अप्रॉक्सीमेट फोकल लेंथ, अगले में आप लिख दें इसका इमेज निडल डिस्टेंस, दूसरे में ऑब्जेक्ट निडल डिस्टेंस, तीसरे में आप नेक्स्ट इसका जाके ऐड कर दें आप उसका फोकल लेंथ का फार्मूला, उस फार्मूला में वैल्यू निकालें और आंसर लिख दें, वो आपका टेबल कंप्लीट हो जाएगा एक रीडिंग। अगर आपने दूसरी रीडिंग लेनी हो तो इसके लिए जरा एफिशिएंसी मारने की जरूरत नहीं है कि आप सारे ऑपरेटर्स को उतारें, उतार के दोबारा इसका इसी तरह आप सेट करना शुरू कर दें, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। आपने क्या करना है, ये जो आपके पास मीटर राड होगा इसकी, जैसे सपोज अगर पोजीशन पहले ये थी, तो इसको थोड़ा सा मीटर राड को ये इस तरह चेंज कर दें, थोड़ा सा आगे की तरफ मूव करवा दें, दोबारा रीडिंग कर लें। यानी ये आपके पास एल लेंस हो गया, ये इमेज आई हो गया, ये ऑब्जेक्ट ओ हो गया। इसी तरह दोबारा आपके पास पोजीशन आ गई, दोबारा इनका डिस्टेंस पी क्यू निकाल लें, वो लिख लें और एफ की वैल्यू निकाल लें आप लोग तीसरी रीडिंग के लिए, फिर ये मीटर राड को आगे की तरफ मूव कर दें और अगली रीडिंग ले लें। ये सिंपल सा मेथड है दोस्तों, इसको आपने अप्लाई करके आपने प्रैक्टिकल को परफॉर्म करना है। इसमें एक दो प्रिकॉशंस हैं, वो मैं आप लोगों को बता दूं। जब आप लोग ये प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे तो जब सपोज मैं इधर से खड़ा होकर देख रहा हूँ तो ये वाली जो पिन है यहाँ पे इन्वर्टेड दिखाई दे रही होगी, लेकिन समटाइम ये साफ दिखाई दे रही होती, तो आप छोटा सा पीस लें पेज का, तो वो पेज काट के आप यहाँ पे प्लेस करते हैं। जब पेज प्लेस करेंगे इस पेज की वजह से आपको यहाँ पे क्लियर पेज दिखाई दे रहा होगा, पेज के साथ उसकी नोक भी दिखाई दे रही होगी। एक तो ये चीज़, दूसरा ये कि आप लोग जब इसको परफॉर्म कर रहे होंगे तो एक आंख से आप इसको ऑब्जर्व करोगे, दोनों आंख नहीं खोल के देखोगे वरना आपको क्लियर दिखाई नहीं देगा। तो ये चंद एक चीज़ें थी दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको प्रैक्टिकल की समझ आई होगी। इस तरह के मजीद वीडियोस देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहें।